डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 41 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। मतलब ये कि आपने एक मैराथन पारी खेला है, 40-40 एपिसोड्स आपने कवर किया है, मैक्सिमम लोगों ने टॉपिक्स कंप्लीट किया है, कुछ लोगों को छोड़कर जिनके साथ कोई समस्याएं आ गई उन्होंने बीच में छोड़ा भी है, लेकिन जिन लोगों ने मैक्सिमम एपिसोड्स इस 40 में किया है उनको अपना बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। और इसे आप केवल रिवाइज करना है, आप बचे हुए दिनों में टेंशन नहीं लेना है। आप सभी लक्की हैं कि आपके एग्ज़ाम के डेट्स आ गए, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया और अब एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कूल रहना, बचे हुए दिनों में बस मिसमराइज्ड फील कीजिए कि हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है और अब हम इसे डिलीवर करेंगे। 41 नंबर एपिसोड में हम लोग मेडिवल इंडिया से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसका स्टार्ट लिया, दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया, उसके बाद मुगल काल में बाबर हम लोगों ने कल किया था। आज हुमायूं और शेरशाह कर लीजिए। हुमायूं का शासन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बीच में जो भी आपको हुमायूं का शासन दिखाई देगा वो उसने युद्धों में ही बिताया और फिर बीच में 15 साल लगभग भारत से बाहर रहा और इधर उधर भटकता रहा। उसे शेरशाह से कई सारे युद्धों को करना पड़ा जिसका परिणाम उसके फेवर में नहीं रहा। तो हुमायूं यानी बाबर के बेटा को आपको पढ़ना है, जिसमें शेरशाह के साथ उसके चुनार का घेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर चौसा और बिलग्राम का युद्ध। इस बीच शेरशाह का शासनकाल महत्वपूर्ण है कि उसने सैनिक युद्धों के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी महत्वपूर्ण रूप से किए, बहुत सारे नए कर लगाए, टैक्स सिस्टम नए ढंग से चलाया, सिक्के नए चलाए, साथ ही रुपया जो आज हम लोग देखते हैं ये शेरशाह ने ही चलाया। 5 साल का मात्र उसका शासन था, इस 5 साल में उसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया और कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो हुमायूं और शासन को इस मुगल काल में आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। दो बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े सेगमेंट्स को हम लोगों ने कवर किया है, एक मुगलों का पतन और दूसरा मराठों का उत्कर्ष। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट आएगा, ऐसी मेरी आशा है। उसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूरोपियनों का आगमन, किस तरह से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच आए क्रमशः और फिर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज यूरोपियनों के आगमन में आधा आप करें, जिसमें पुर्तगाली और डच आप कर लें, हम लोग कल करेंगे ब्रिटिश और फ्रांसीसी, आधा आप कर लें, पूरा पढ़ लेते हैं तो कल आप रिवाइज कर लें। मतलब ये कि ये 2 दिन चलेगा यूरोपियनों का आगमन। उसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इसे रिवाइज आप कर रहे हैं, पहले 2-3 बार बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं तो आप रिवाइज कर रहे हैं। आज कौन सा रिवाइज करना है? आज झील और जलप्रपात कर लीजिए, लेक्स एंड वाटरफॉल, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, गर्सोपा, धुआंधार या महत्वपूर्ण झील, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे विशाल, झीलों को करेंगे, जलप्रपात को करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी में आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कर रहे हैं और इससे भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पहला पंचवर्षीय योजना। लेकिन उससे पहले पंचवर्षीय योजना का इतिहास आप समझें, किसने इस सिस्टम को आगे लाया, कौन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आधारभूमि तैयार कर रहा था। उसके बाद में जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, हर पंचवर्षीय योजना में कुछ 1-2-3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर अच्छे से समझ कर करें और ये किस मॉडल पर आधारित था, ये सब एग्जाम्स में आता है। तो पंचवर्षीय योजनाएं आप करेंगे, साथ ही ध्यान रखें कि ये किस देश से प्रभावित था। उसके बाद हम लोग 1 मंथ लगातार कर रहे हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, आप पहले भी इसे कंप्लीट कर चुके हैं 12 मंथ्स को, अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगला मंथ है जून मंथ का, जून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कंप्लीट करना है और फिर हम लोग एक राज्य कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जीके जीएस एसपीडी से करते हैं, 2 पेजेस लेते हैं, आज हम लोग 79 और 80 कर रहे हैं। 79 पेज पे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और ये है पूरे महादेश में उसके सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे ऊँचे, इससे संबंधित तथ्य, जैसे सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊँचा झील या सबसे विशाल पर्वत, ये सब हर महादेश का यहाँ पर कलेक्टेड है। और फिर कुछ उपाधियाँ हैं, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या गुरुदेव किसने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये सब उपाधियाँ। और फिर है महत्वपूर्ण शहरों के प्रमुख वास्तुकार, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, इस तरह से दिल्ली को किसने गढ़ा, तो ये सब महत्वपूर्ण वास्तुकार आप करेंगे 79 और 80 2 पेजेस पे। उसके बाद हम लोग साइंस के एसपीडी से भी कुछ पेजेस लेते हैं, आज 62 और 63 नंबर पेज हम लोग ले रहे हैं, सारे वन लाइनर्स हैं, RRB के, रेलवे बोर्ड में आए हुए। और अंदर में एक हम लोग टॉपिक बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करते हैं, जैसे आज है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा का आधार, ये सब न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको समझना है। साथ ही यहाँ पर कुछ आविष्कार भी है, जैसे कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, TV का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार, तो आविष्कार और आविष्कारक भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी आप करें। तो ये था एक छोटा सा सेगमेंट 24 घंटे के लिए।
टेंशन नहीं लेना है, केवल हल्का सा रिवाइज करके इस 24 घंटे में ये समझ लेना है कि जो हमने पढ़ा है उसे एक बार हम देख रहे हैं, बल्कि डूब कर या टेंशन लेकर समझ नहीं रहे ये सब नहीं करना है। इतना पढ़ना है कि बस हम इसे एक ग्लांस दे रहे हैं, समझे या ना समझे बाद में देखा जाएगा, आपने इसे बहुत पढ़ा है, केवल एक ग्लांस आप इसे दे दें और 24 घंटे के अंदर ये टॉपिक्स भी इतना कर लेते हैं तो आप मान कर चलें आपका अच्छा रिविज़न हो रहा है। टेक केयर।